है कि आप अच्छा टूर आपके लिए साबित होगा और आप अपना एक्सपीरियंस जो है आप उसमें भी एक कॉपी दे देना, एंजॉय खाने में आपका क्या है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, आपको फिर भी तो परेशानी तो आप अगर बात करना मेरा ही क्या रेस्टोरेंट है वो आप ये बहुत ही एक्सपीरियंस है, आपको मुझे पूरा यकीन है कि इससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा और आने वाले दिनों में एक चेंज आएगी और लाइफ में एक चेंज आनी भी चाहिए। हर दिन बंदे को कोई ना कोई नई चीज़ सीखनी चाहिए, एक अर्ज होनी चाहिए कि आज के दिन में ये सीख रहा हूँ, कल के दिन में ये ऐड कर, नॉलेज हो या कोई भी चीज़ इंसान की जो है वो नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके टाइम न्यूज़ और अभी जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा से एक टूर गया है जो ट्रैकिंग के लिए, तो हमारे साथ एसएसपी सर हैं, तो जानते हैं सर बहुत समय हो गया है, लॉकडाउन चल रहा था, बच्चों में काफ़ी स्ट्रेस था, लेकिन आज जिस तरीके से टूर डिस्ट्रिक्ट डोडा से गया है तो क्या कहेंगे आप, कैसा लग रहा है, खास करके गर्ल्स के लिए की जो ऑर्गेनाइज किया गया आपने, तो क्या कहेंगे जी? बिल्कुल, ये लॉकडाउन के बाद इनफैक्ट डोडा में ये इस तरह का पहला टूर जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है, यहाँ की अराउंड 50 गर्ल्स जो हैं उनको सतिंगल के लिए 5 दिन का टूर है, ये वो वहीं पर स्टे करेंगे, वहाँ पूरे अरेंजमेंट्स डिस्ट्रिक्ट यूथ रिप्रेजेंट स्पोर्ट्स की तरफ से किए गए हैं और इस प्रोग्राम में डायरेक्टर जनरल स्पोर्ट्स डॉक्टर सलीम साहब का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। ये प्रोग्राम जो है आप काफ़ी भी जानते हैं कि बच्चों के लिए टूर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, बच्चों को टूर्स जो है नॉर्मली ना सिर्फ फिज़िकली बल्कि मेंटली भी एनरिच करते हैं, उनकी उनको एक एक्सपीरियंस होता है घर से बाहर निकलने का, फिर वहाँ पर रहने का, इससे एक डिसिप्लिन इनकलकेट होता है उनकी लाइफ में और एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर आता है, उनकी सोच जो है वो बदल जाती है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका रहता है, एक्सपोजर होता है बच्चों को इस तरह के टूर्स। मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे ये टूर्स, ना सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बल्कि प्रोविंस लेवल पे और फिर आउटसाइड यूटी जो है ये ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे और इस तरह के टूर जो हैं हमेशा बच्चों को बहुत ही मुफीद साबित होते हैं, उनके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उनके अंदर एक सेंस ऑफ कंपटीशन भी होता है, जब वो बाहर जाते हैं, बाहर के लोगों को देखते हैं, बाहर के बच्चों को देखते हैं, वहाँ का जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हैं, तो नेचुरली उनके अंदर एक अर्ज जो है तब्दीली की वो आती है और ये एक्सपोजर जो है उनको फिज़िकली मेंटली ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग करता है बल्कि बहुत एनरिच करता है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट यूथ रिप्रेजेंट स्पोर्ट्स के यहाँ स्टाफ और मेंबर्स जो हैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा और मुझे पूरी यकीन है कि ये इस तरह के टूर जो हैं आने वाले दिनों में और ऑर्गेनाइज़ किए जाएंगे ताकि यहाँ के बच्चों को इसका पूरा फ़ायदा। शुक्रिया सर जेके टाइम से आपका इसका कीमती समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एसएसपी सर, बने रहिए जेके टाइम के साथ, बाकी की अपडेट जानने के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।